अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ये जो इस वक्त मनाजर आपको दिखाए जा रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि हमें मस्जिद दिखाई जाए, किस तरह की है, तो ये आपको मस्जिद दिखा रहे हैं कि जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन जो मरकज़ी मस्जिद है, ये मरकज़ी मस्जिद है। और ये जो सामने गेट बिल्कुल आपको अभी नज़र आ रहा है ना, ये बाबा जान के मज़ार पुर अनवार का गेट है। इस साइड पे अभी जहाँ पे ये आपने देखा है, ये पड़ी हैं यहाँ पे, अब जो है वो मेडिसिन की चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये सारा जो है मस्जिद का जो आप कह सकते हैं सहन है, हाल है बाहर वाला। और देखें, ये ऊपर जो है सेकंड फ्लोर है, और इसकी बिल्कुल ऐसी बैक साइड पे जो है ना, बिल्कुल इसके ओपोजिट वो मदरसा है बच्चियों का। और अब ये हम अंदर की जानिब जा रहे हैं। और ये जो गेट अभी आपने इस साइड पे देखा है, ये बाबा जान के मज़ार का दूसरा गेट है। और ये मस्जिद की अंदर वाली जगह है, और यहाँ पे क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन जो है तकरीर किया करते थे, बयान फरमाया करते थे। और काफ़ी माशाल्लाह आप जैसे कि देख रहे हैं, लोग आते हैं, रहते हैं यहाँ पे, आराम कर लेते हैं, मतलब कि परमानेंट नहीं रहते, आराम कर लेते हैं जिस तरह। और ये मस्जिद की जो है ऊपर वाली जगह, ये जो आप देख रहे हैं ये ऊपर वाली जगह है, बहुत प्यारा माशाल्लाह बना हुआ है। और सेकंड फ्लोर जो है, ये बिल्कुल एक सेकंड फ्लोर है इसके ऊपर, और माशाल्लाह वो भी बहुत वसी व अरीज़ है। और इसी तरह उसके भी ओपोजिट मदरसा ही आता है, ये जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन है। नाज़रीन, ये तो वो मनाजर जो हमने आपको जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के सारे दिखाए, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इंशाल्लाह ताला अब हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मस्जिद भी बराहे रास्त और साथ ही बाबा जान का जो मज़ार पुर अनवार है उसको भी अंदर हम ना इंक्लूड करेंगे, वो भी आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से एंट्रेंस मर्दों की, वो दो तरफ़ा एंट्रेंस है वो किस तरह से है, मजलिस शूरा का रूम कौन सा है, और साथ साथ बताएंगे कि जो ख़वातीन हैं वो किस रास्ते से आती हैं, मतलब कि ख़वातीन जो हैं काफ़ी सवालात हुए कि उनका क्या टाइम है और किस तरह से वो किस गेट से आते हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे। गेट के जो है वो घर से एक गेट आ रहा है, तो वो मस्जिद के रास्ते से नहीं आती, उनका घर से गेट होता है। और दो गेट जो हैं वो मर्द हजरात के लिए, यानी एक गेट से वो एंटर होते जाते हैं और साथ ही आगे वाले गेट से वो बाहर की तरफ निकलते आते हैं। और ख़वातीन के गेट भी आपको दिखाएंगे जो घर के अंदर से है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में।